तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो लोग, वेलकम बैक टू गेमर्स एसएमपी। तो आज की वीडियो में गाइस हम अपने लिए टोटली फुल आयरन का आर्मर एंड टूल्स बनाने वाले हैं। तो मैं अपने लिए कुछ टूल्स वगैरह बना के चलता हूँ आयरन की ग्राइंडिंग पे। तो गाइस मैं अपने घर से थोड़ा सा दूर आ चुका हूँ, यहाँ पे अपना स्टेयर केस माइनिंग को शुरू करते हैं। तो मैं आपको गाइस सीधे थोड़ी सी अंदर स्टेयर बना के बाद मिलता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी माइनिंग की है। तो भाई मुझे यहाँ पे आते ही भाई आयरन मिल चुका है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मुझे रास्ते में कितने आयरन। तो यार मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ज़ॉम्बी स्केलेटन की आवाज़ आई, तो उनको हम इग्नोर करते हुए चलते हैं नीचे के लिए। तो भाई नीचे में ही पूरा बे तीर मारा भाई। तो गाइस मैं चका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। तो ये वाइल लेवल 16 है, तो मैं 14 पे गाइस माइनिंग करूँगा। आप भी 14 या 15 पे अगर चाहो तो आयरन माइनिंग के लिए आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आयरन बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो मैं यहाँ पे गाइस अपना एक छोटा सा स्टोरेज रूम चेस्ट वगैरह लगा के आपको मिलता हूँ। भाई यहाँ पे थोड़ी सी खुदाई करने के बाद मुझे यहाँ पे गोल्ड मिल चुका है। तो गाइस मैं अपने आयरन के टूल्स वगैरह बना के मैं आयरन को वापस गाइस माइन कर लूँगा। तो मैं अपने लिए कुछ एक टॉर्च बना लेता हूँ। तो ये देखो गाइस मैंने कुछ बना लिया यहाँ पे अपने लिए, कुछ चेस्ट और दो चेस्ट लगाई लार्ज चेस्ट। तो मैं अपना इसमें सारा सामान रख के चलते हैं। मैं यहाँ पे अपना सामान रख रहा था तो मैंने देखा भाई मेरे पास आयरन, तो मैंने फर्नेस बना ली। तो अरे यार मैंने उसमें ना रख दी, जो मैं अपने लिए कुछ इसमें जितने आयरन है 16 आयरन है, जो कि मुझे गाइस रास्ते में यहाँ आते तक ही मिले थे। तो मैं इसको इसमें कुक करने के लिए मेल्ट करने के लिए डाल देता हूँ। तो अरे यार मैंने कोल भी रख दिया अंदर, तो मैं वापस से कोल को लेकर के चलता हूँ। गाइस इसमें डालते हैं 20 कोल्स को। तो ये और गाइस मैं तो यहाँ पे कुछ आ गए, यहाँ से करीबन इधर ग्रेवल था, तो मैं यहाँ से माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो माइनिंग स्टार्ट करते ही तो चलो गाइस मुझे यहाँ पे कुछ अंदर आते के साथ ही मिल गया था। तो गाइस यार मैं इधर की साइड माइनिंग कर ही रहा था कि भाई उधर को यार पानी आ गया। तो इधर मैंने वो ब्लॉक एक देखा, इस ब्लॉक को देखने के लिए मैं दो ब्लॉक छोड़ के यहाँ से वापस से माइनिंग कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे भी इस वाली में भी कुछ आगे जाने के बाद इधर भी पानी आ गया, तो मैं देखता हूँ कि चलो अपने आयरन को स्मेल्ट में डालते। तो गाइस मेरे पास टोटल 37 एंड 13 मेरे पास हो गए, टोटल 50 आयरन्स। तो अब यहाँ पे गाइस मैं माइनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तो देखते हैं मुझे आगे कितने आयरन्स मिलते हैं। भाई आज मेरे साथ क्या रहा, भाई मैं थोड़ी सी आगे जा रहा हूँ, भाई मेरे को वो मिल जा रहे हैं, पानी वगैरह मिल जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी 10 आयरन और माइनिंग करके लाया हूँ, यानी कि मेरे पास टोटल हो गए 62। मैंने दो इंगट मेरे पास पहले हैं, 60 अभी मेल्ट किया है, यानी कि टोटल हो गए मेरे पास 62 आयरन। तो गाइस अब हम चलते अपने घर की ओर। तो घर पर जाने के बाद गाइस हम अपने लिए बनाने वाले हैं टोटल आयरन के आर्मर।
तो मैं यहाँ पे आया कुछ सरफेस पे कॉबलस्टोन लगा देता हूँ ताकि मैं अगर वापस आऊँ तो मुझे पता रहे कि मैंने यहाँ पे माइनिंग की थी। गाइस मैं घर पे आने के बाद गाइस अब बनाते हैं गाइस अपने लिए सबसे पहले एक चेस्ट प्लेट, चेस्ट प्लेट के बाद एक लैगिन, लैगिन के बाद हेलमेट, हेलमेट के बाद बूट, और बूट को चलो तो अपने कुछ नीचे कर लेते हैं सभी सामान को। तो रुक जाओ यार, मैं गाइस अपने लिए स्वॉर्ड एंड पिकैक्स वगैरह सब चीज़ें स्वॉर्ड बनाने ली, मैंने कुछ स्टिक्स भाई मेरे पास स्टोरेज ही नहीं है। रुक जाओ मैं अपने कुछ सामान को चेस्ट में रख देता हूँ। रखने के बाद गाइस मैं बनाता हूँ अपने लिए एक पिकैक्स एंड देन स्टिक बना के एक एक्स भी बना ही लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हो चुकी है यार बारिश होने लगी, तो कोई बात नहीं गाइस। तो अब देखते हैं गाइस, हम अब फुल्ली हो चुके हैं गाइस आर्मर सॉरी आयरन में अपग्रेड। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम अपने SMP के बारे में, यानी कि आप लोग हमारे SMP में कैसे ज्वाइन हो सकते हो। तो इसके ऊपर गाइस एक प्रॉपर वीडियो आएगी कि आप हमारे SMP में कैसे ज्वाइन हो सकते हो, कि ज़्यादा गाइस कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है। तो आप मिलते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन।